हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए मेरे व्हाट्सएप पे कि सर सिंपल पे लेटर को ऐसा वीडियो बनाइए उसको लेके, कि अगर सर सिंपल पे लेटर का हम लोग पैसा नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा, या फिर रिपेमेंट नहीं करते हैं टाइमली तो क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिंपल पे लेटर जो एक ऐसा एप्लीकेशन है ना, इसमें आपको अपना आधार कार्ड लगाना पड़ता है, ना अपना पैन कार्ड लगाना पड़ता है, ना आपकी KYC जो है वो वेरीफाई करवानी पड़ती है। तो ये जो सिर्फ आपके फोन नंबर पे, या बोले तो आपका जो फोन नंबर से जो भी इनके पास डाटा जाता है, सिर्फ आप फोन नंबर डालते हैं उसके थ्रू ही ये आपको एक लिमिट प्रोवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों, सिंपल पे लेटर का जो लिमिट है वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से, आप मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं, DTH रिचार्ज भी कर सकते हैं, आप कहीं से ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं, खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं जोमेटो या स्विगी से। तो इस तरीके से सिंपल पे लेटर का जो है आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा एप्लीकेशन है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। अगर आप लोग इसकी सर्विसेज खो देते हैं तो आने वाले टाइम में हो सका, अगर ये अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करता है या और भी कोई सर्विसेज एक्सटेंड करता है तो फिर आप उसके यूजर नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप सिंपल पे लेटर का जो पैसा है वो अगर नहीं पे करते हैं तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, ना आपके पास लीगल नोटिस आएगा, ना आपके पास पुलिस केस होगा, ना आपका सिविल स्कोर डाउन होगा। ये एक नॉन NBFC रजिस्टर्ड कंपनी है, यानी ये कोई RBI से कोई इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है जो ये आपके सिविल स्कोर पे इफेक्ट कर सके या आपको लीगल नोटिस भेज सके। तो दोस्तों, अगर आप इसका पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपके साथ इतना होगा कि आपको जो सिंपल पे लेटर का अकाउंट है वो परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा। वो ऐसे ब्लॉक हो जाएगा कि जो ये आप लोगों का ना ये IP एड्रेस ट्रैक करते हैं, या आपकी बोले तो फोन का IMEI नंबर जो है उससे आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने अपने फोन पे ट्राई किया हुआ था कि मेरा जब मैंने पेमेंट नहीं कर पाया था, तो जब मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया था सिंपल पे लेटर का, तो मैंने अपने दूसरे नंबर से अकाउंट बनाना चाहा तो भी उसमें कोई मुझे लिमिट नहीं मिली और जो मेरा अकाउंट था वो वेट लिस्ट पे डाल दिया। इसके बाद मेरे दादाजी जो सरकारी जॉब करते हैं उनके नंबर से मैंने सोचा चलो अकाउंट एक बार बना के देखते हैं। तो मैंने अपने फिर से दादाजी के नंबर से मैंने अपने मोबाइल में उसको बनाना चाहा तो उसमें भी मुझे इन्होंने वेटिंग लिस्ट पे डाल दिया। उसके बाद थोड़े दिन बाद मैंने अपने दादाजी के नंबर से उनके ही फोन में ट्राई किया तो जो मेरा अकाउंट था वो ओपन हो गया, हमको मतलब दादाजी के नंबर पे लिमिट मिल गई 1500 रुपए की। तो दोस्तों, इस तरीके से ये लोग एक तो आपकी IMEI नंबर या आपका IP एड्रेस ट्राई करके आपको लिमिट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इनका जो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है या फिर आप इनका प्रीपेमेंट नहीं करते हैं तो ये लोग दोस्तों आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, उसके बाद आप कभी भी इनकी सर्विसेज का फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा, सिंपल पे लेटर एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, अगर आप इसका टाइम पे रिपेमेंट कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लास्ट टाइम अगर आपका कभी भी जरूरत होती है तो सिंपल पे लेटर का आप जो पैसा है वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, बहुत ही आसान है। आपके पास एक फास्टैग होना चाहिए पेटीएम का, आप उसमें फास्टैग पे रिचार्ज कर दीजिए और आपके अकाउंट में वो पूरा पैसा वॉलेट में चला जाएगा पेटीएम के, आप उसको अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको यूज भी कर सकते हैं और आप आसानी से इसका रिपेमेंट भी कर सकते हैं और आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से जो सिंपल पे लेटर है वो वर्क करता है और बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। आने वाले टाइम में इसने अगर अपनी कोई भी सर्विसेज को एक्सटेंड किया या कोई भी और भी नई सर्विसेज लॉन्च की तो उसके अगर आपको यूजर बने रहना है तो आपको दोस्तों इसका रिपेमेंट कर देना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश इसका रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आपको इनके कस्टमर केयर से बात कर लेना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि मैं पेमेंट कर सकूं। तो वो लोग आपकी जो ID है ना, जो सिंपल पे लेटर का अकाउंट है उसको ब्लॉक नहीं करेंगे, आपको टाइम मिल जाएगा रिपेमेंट करने का और आप आसानी से 15 से 20 दिन में रिपेमेंट कर सकते हैं। फिर आप उसके यूजर भी बने रहेंगे और आने वाले टाइम में या फ्यूचर में अगर कोई भी सर्विसेज एक्सटेंड करता है या कोई भी सर्विसेज नई लॉन्च करता है सिंपल पे लेटर, तो उसके आप यूजर रहेंगे और आसानी से आप उसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा पूरा सिंपल पे लेटर का जो था, आपको मैंने बताया कि अगर आप पेमेंट करते हैं तो क्या होगा, नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।